वैसे तो हमारे देश में कई तीर्थ और शक्तिपीठ हैं, लेकिन बाबा नगरी देवघर की बात ही कुछ अनोखी है। यहाँ साक्षात शिव और शक्ति विराजमान है और दोनों का यहाँ संगम होता है। देवघर का बाबा वैद्यनाथ धाम अनेकों विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक विशेषता इस मंदिर के ऊपर लगे पंचशूल का होना है। इस पंचशूल के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके पीछे कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी है। इन दिनों सावन का पावन महीना चल रहा है। सभी भक्त बाबा भोले को खुश करने में लगे हुए हैं। सभी अपनी क्षमता के अनुसार बाबा भोले के दर्शन के लिए देवघर पहुंच रहे हैं। इस बार सावन 2 महीने का है, इसलिए भक्तों में और ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो इस मंदिर को और रोचक बनाती है। वैसे तो इस मंदिर के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिसका जिक्र वैद्य पुराणों में किया गया है। भोले बाबा के दर्शन करने गए बाबा नगरी गए भक्तों को आज हम बताना चाहते हैं कि अगर आप बाबा भोले के दर्शन ना भी कर पाए तो पावन धरती पर पैर रखते ही आपको मंदिर में लगे पंचशूल के भी दर्शन कर लेना चाहिए। इससे शिव का ही नहीं पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद मिलता है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। बाबा मंदिर के ऊपर लगे पंचशूल का वर्णन शास्त्रों में भी हमें देखने को मिला है। देवघर के बाबा मंदिर परिसर स्थित मुख्य द्वार सहित सभी मंदिरों के पद त्रिशूलों की जगह पंचशूल है, जो वास्तुकाल के दृष्टिकोण से इसे अलग पहचान देता है। भगवान भोलेनाथ को प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय पंचाक्ष होता है। भगवान भोलेनाथ को रुद्र रूप पंचमुखी में ऐसी मान्यताएं कि भगवान शंकर है अपने सबसे प्रिय शिष्य शुक्राचार्य को पंचम ने निर्माण की विधि बताई। बाद में लंकापति रावण ने शुक्राचार्य से यह विधि सीखी और उसी के आधार पर उसने लंका के चारों द्वार पर पंचशूल लगवाया। ये पंचशूल मनुष्यों को अजय शक्ति प्रदान करता है। यही वजह है कि भगवान राम के लिए भी लंका अभेद बन गई। बाद में विभीषण ने इस रहस्य की जानकारी भगवान राम को दी, तब अगस्त मुनि ने पंचशूल ध्वस्त करने का विधि बताया था। रावण ने उसी पंचशूल को इस मंदिर पर लगाया था ताकि इस मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। ऐसी मान्यता है कि ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ शिव की उपासना से ही हो सकती है और मनुष्यों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान भोलेनाथ यहाँ पंचशूल धारी के रूप में विराजमान। जानकारी के अनुसार इस पंचशूल के दर्शन मात्र से पूरे शिव परिवार के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो। पंचशूल को मनुष्य के जीवन चक्र के 5 शूलों के घोतक और 5 प्राणों के रूप में जाना जाता है। इसे तंत्र विद्या से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी शिवलिंग के दर्शन किए बिना पंचशूल को सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।